हेलो गाइस, माय नेम इज हाइट एंड वेलकम टू मिस्टर हाइट यूट्यूब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेस्कटॉप या लैपटॉप कैसा लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, कैसा डेस्कटॉप लेना चाहिए, कैसा लैपटॉप लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, आप सभी के मन में एक डाउट रहता होगा कि डेस्कटॉप लें या लैपटॉप लें। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप की बात करते हैं। तो डेस्कटॉप में जो है दोस्तों, आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप अपने अकॉर्डिंग रैम लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, SSD लगाना वो लगा सकते हैं, प्रोसेसर अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, मदरबोर्ड अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, पूरा PC अपने अकॉर्डिंग बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है डेस्कटॉप का एडवांटेज। एंड इसमें आपको डिसएडवांटेज में बता दूं कि डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको ट्रेवलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, बस एक डेस्क पे रहेगा वो वहीं पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं लैपटॉप की। तो लैपटॉप में दोस्तों, आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप ट्रेवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रेवल आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप लैपटॉप लें। एंड लैपटॉप में ये सारी चीज़ें जैसे कि रैम रोम, ये सारी चीज़ें जो है ब्रांड के अकॉर्डिंग आती है। जैसे कि HP वालों का लैपटॉप लिया तो उन्होंने 4GB रैम रख दी, 8GB रैम रख दी, प्रोसेसर उनके अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें ब्रांड के अकॉर्डिंग हो जाती है। और डेस्कटॉप में आपको ये एक एडवांटेज मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमको इंटेल लेना चाहिए, राइजन लेना चाहिए प्रोसेसर, तो प्रोसेसर में जो है इंटेल के प्रोसेसर जो है राइजन से थोड़े बेटर आते हैं एंड राइजन के थोड़े हल्के आते हैं। तो वहीं इनमें प्राइस में भी डिफरेंस रहता है। इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं राइजन के प्रोसेसर से महंगे होते हैं, राइजन के प्रोसेसर जो है इंटेल के प्रोसेसर से सस्ते होते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेसर जो है राइजन के ज़्यादा बस 19-20, अपनी भाषा में कहते हैं ना 19-20, उस टाइप से हैं राइजन एंड इंटेल के। तो इंटेल का थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है। तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपना लैपटॉप लें। आपको ज़्यादा वर्क नहीं रहता है, आप मूवी वगैरह देखते हैं, नॉर्मल फाइल एडिटिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको i3 एंड 4GB रैम बहुत है। इसके बाद आपका बजट है तो आप ले, वरना i3 एंड 4GB आपको नॉर्मल वर्क के लिए ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह करते हैं, वीडियो एडिटिंग, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उसके लिए आप i5 या फिर राइजन 5, ये दोनों। एंड दोस्तों, इनके साथ आप SSD ले सकते हैं। SSD आपको अगर 100GB SSD भी मिल रही है तो आप ले लें, क्योंकि आपका SSD में जो है आपका OS इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके OS की जो स्पीड बेटर रहेगी। तो प्रोसेसर के साथ साथ आप OS इंस्टॉल करें तो SSD में करें, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप थोड़े और ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं एंड यूट्यूबर हैं, एंड इसके बाद आप गेमर हैं, गेमिंग करते हैं, गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं एंड बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड रहता है, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उसके बाद आप i7 पे जा सकते हैं। एंड इसके बाद आता है i9। तो i9 तो आप मल्टीटास्किंग सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, आपको ज़्यादा वर्कलोड रहता है उसमें। आप i9 तो बहुत कम प्रीफर करता हूँ मैं, क्योंकि i9 जो है एडवांस लेवल पे। तो अभी तक तो i7 तक ही हम जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको हार्ड डिस्क लेना चाहिए या SSD लेना चाहिए। तो SSD एंड हार्ड डिस्क की मैं बता देता हूँ कि SSD जो है अभी नहीं आई है, तो इसकी स्पीड हार्ड डिस्क से ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, अगर आप ब्रांड पे जाना चाहते हैं तो ब्रांड अपने अकॉर्डिंग ले, अपने बजट के हिसाब से आप ब्रांड डिसाइड करें। जैसे आपको HP के लैपटॉप अच्छे लगते हैं, उनका जो मतलब अपीरियंस जो है उनका अच्छा लगता है, तो आप HP के लैपटॉप पे जाएं। बजट के हिसाब से आप HP का खरीदें। एंड आपको डेल के खरीदने हैं तो डेल का खरीदें, एंड आपको एप्पल का खरीदना है तो आप एप्पल का खरीदें। एप्पल में मिले आपको फुल इज्जत एंड अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। प्रोसेसर का मैं बता ही चुका हूँ कि प्रोसेसिंग किसके अकॉर्डिंग रहता है, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ही उसकी प्रोसेसिंग पावर डिपेंड करती है। एंड यहाँ पे ग्राफिक कार्ड, अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप वीडियो एडिटिंग के लिए आपको ग्राफिक कार्ड उसमें लगाना पड़ेगा, 4GB 8GB अपने अकॉर्डिंग। आप जितनी ज़्यादा वीडियो प्रोसेसिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।